उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज 3 को। आज इसमें कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमने सीरीज 1 सीरीज 2 कंप्लीट कर ली थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और आज भी कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हैं। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में हुड़किया वकील के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जी हाँ, हुड़किया वकील, ये इम्पोर्टेंट नाम है। हुड़किया वकील कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, पहले भी एक पेपर में आया हुआ है ये प्रश्न। तो हुड़किया वकील से किसे जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं आंसर, इसका मतलब आप लोग सीरियसली नहीं देखते इस चैनल को। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो हुड़किया वकील के नाम से जाना जाता है देवी दत्त पंत को। जी हाँ, देवी दत्त पंत को किस नाम से जाना जाता है? हुड़किया वकील के नाम से। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, मलेथा की कुल के लेखक कौन थे? मलेथा की कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मलेथा की कुल आपने देखा होगा, मलेथा की कुल ये माधो सिंह भंडारी से रिलेटेड है। और माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माना जाता है। उन्होंने मलेथा गांव में कैसे पर्वतों को काट के अपने खेतों को हरा भरा किया था, पानी पहुंचाकर वहां, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। चलो अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। मलेथा की कुल, इसके लेखक कौन है? एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं जीत सिंह नेगी। इसके लेखक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर की दृष्टि से भी और उत्तराखंड के एग्जाम के दृष्टि से भी, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था। 21 जून 2020 को 94 साल की उम्र में देहरादून में इनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रेक्षा गृह का नाम उनके नाम पर किया जा रहा है। जो प्रेक्षा गृह ऑडिटोरियम होता है, एक प्रेक्षा गृह का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? जीत सिंह नेगी जी के नाम पर रखा जाएगा। संस्कृति के क्षेत्र में वे सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हरिद्वार बाईपास पर आकाशवाणी भवन के निकट स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षा गृह का उद्घाटन इसी वर्ष फरवरी माह में किया गया था। जो ये प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम है, इसका जो उद्घाटन किया इसी साल फरवरी माह में किया गया था। और इस हाईटेक प्रेक्षागृह की क्षमता 270 है। कितनी है? 270 हाईटेक है, 270 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो इनका नाम जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? जीत सिंह नेगी जी के, गढ़वाल के महान लोक संगीत लोक कला को जानने वाले ये जीत सिंह नेगी जी थे। ये हैं हमारे बीच, ये इनका चित्र है, अब नहीं रहे हमारे बीच। और ये उनकी पुस्तक है, आप देख सकते हैं मलेथा की कुल, नीचे जीत सिंह नेगी, इम्पोर्टेंट है। और भी उनकी एक पुस्तक है, म्यारा गीत गढ़वाली में मेरा गीत होता है, तो जीत सिंह नेगी जी की है। दूसरी एक है जांग नगरी करके, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बहुत फोटो क्लियर नहीं है। तो ये है जीत सिंह नेगी जी। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम सांसद कौन थे? जी हाँ, गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, खोट गांव में, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के महान विभूतियाँ वाला जो एक चैप्टर होगा हमारा, उसमें सारा कवर करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी रहे, प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे संयुक्त प्रांत के, जब उत्तर प्रदेश एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो अल्मोड़ा के हैं। अब देखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सांसद कौन है पहले, तो कब इसकी शुरुआत हुई ये भी देखेंगे, और कौन से पहले सांसद हैं जिनको ये मिला वो भी देखेंगे। वो सांसद हैं हमारे इंद्रजीत गुप्त। कौन है? इंद्रजीत गुप्त हैं वो सांसद। और कब मिला? 1993 में उनको यह पुरस्कार मिला। ठीक है, इसकी शुरुआत भी कब हुई? 1993 से हुई, तो पहला इन्हीं को मिला, इंद्रजीत गुप्त जी को। तो अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? जो ग्रीन स्कूल है इसकी अवधारणा, ये भी प्रश्न में आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, रेंजर का पेपर हुआ था उत्तराखंड में वन विभाग का, तो उसमें ये प्रश्न आ चुका है ग्रीन स्कूल की अवधारणा। तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा है वीरेंद्र रावत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रीन स्कूल क्या होता है? ग्रीन स्कूल उसके बारे में देखेंगे। पहले वीरेंद्र रावत के बारे में जानते हैं। वीरेंद्र रावत मूल रूप से टिहरी गढ़वाल में प्रताप नगर ब्लॉक के उपली रमौला के हेरवाल गाँव में, मुकुंद सिंह रावत इनके पिता का नाम, वो बच्चा देवी माता जी का नाम है, उनके घर 6 संतानों में सबसे बड़े थे वीरेंद्र रावत। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीप गांव में हुई। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज तौलीसैंण टिहरी से 12वीं करने के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक इन्होंने पूरा किया। तो
देखेंगे ग्रीन स्कूल में। ग्रीन स्कूल का कॉन्सेप्ट पृथ्वी, जल, हवा, आग व आकाश पर आधारित है। पृथ्वी, जल, हवा, आग व आकाश पर आधारित है। इन स्कूलों में एंट्री करते ही प्राकृतिक सुंदरता का एहसास होता है। वीरेंद्र ने इस कॉन्सेप्ट के तहत स्कूलों के लिए अलग सा सिलेबस डिजाइन किया है। लोगों के प्रकृति के बारे में जानने के लिए, पर्यावरण के बारे में सचेत करने के लिए क्या किया है कि ये ग्रीन स्कूल का कॉन्सेप्ट वीरेंद्र रावत ने बनाया है। नहीं तो प्रकृति का ये जो हमारा सुनहरा जो चैप्टर है कहीं नेपथ्य में खो जाता है, तो इसी को दोबारा जीवंत करने के लिए वीरेंद्र सिंह रावत ने क्या किया है। ये वीरेंद्र सिंह रावत जी का आप चित्र देख रहे हैं, उन्होंने दोबारा से इसको एक स्कूल के रूप में, इनको नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड मिल चुके हैं, WHO में भी इनको अवार्ड मिला हुआ है, UN में, तो काफी पॉपुलर नाम है इनका ग्रीन स्कूल का। काफी सारे इंडिया वर्ल्ड में इन्होंने ग्रीन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया, काफी सारे इनके आधार पर ग्रीन स्कूल बन रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम भीमताल की स्थापना किसने की। लोक संस्कृति संग्रहालय, पब्लिक आर्ट गैलरी। देखो दो चीजें हैं, एक है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट, अगर लोक संस्कृति संस्थान आएगा या लोक कला संस्थान आएगा तो वो तो अल्मोड़ा में है। अगर आता है लोक संस्कृति संग्रहालय तो ये कहाँ स्थित है, ये भीमताल में। तो दो प्रश्न है काफी कंफ्यूजन करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, लोक संस्कृति संग्रहालय या पब्लिक आर्ट गैलरी कहाँ है, भीमताल में। इसकी स्थापना किसके प्रयासों द्वारा की गई, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था किसके प्रयासों द्वारा की गई, तो आप लोगों को पता होगा डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई लोक संस्कृति संग्रहालय की। डॉक्टर मठपाल इस संग्रहालय की स्थापना कब करी थी, 1983 में। 1983 में बहुत बार पूछा जाता है, मैं की थी इसे पब्लिक आर्ट गैलरी, ये बताया, पब्लिक आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भीमताल के पास खुटानी नामक स्थान पर स्थित है। जब आप भवाली से भीमताल या भीमताल से भवाली की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे बीच में एक खुटानी गांव पड़ता है, वहीं पे ये स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय, पब्लिक आर्ट गैलरी। डॉक्टर मठपाल को 2006 में साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से भी नवाजा गया, 2006 में। ये काफी अच्छी लोक कला बनाते हैं, लोक कला को इन्होंने संजो के रखा है, तो उसके क्षेत्र में इनको 2006 में साहित्य का पद्मश्री भी इनको दिया गया। तो थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं आगे, ये है डॉक्टर यशोधर मठपाल जी। कभी आप लोगों को नैनीताल जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए, पब्लिक आर्ट गैलरी में बहुत अच्छी है, मैं गया हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, कितना अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा। आप जाएंगे, बारीकियाँ आपको मिलेंगी उत्तराखंड की। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकों में कई बार इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, उत्तराखंड की काष्ठ कला, प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका में इन्होंने PhD की थी, तो भीमबेटका की गुफा आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ स्थित है भीमबेटका, और इसकी खोज कब हुई। काफी महत्वपूर्ण जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ा सा भी, वो भीमबेटका के बारे में जरूर जानते होंगे। रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की भी इन्होंने आर्ट बनाई है, दी कुमाऊं पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने। कुमाऊं की चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं की चित्रकला कई बार ये पूछता है, कुमाऊं की काष्ठ कला या उत्तराखंड की काष्ठ कला, तो इन्होंने बनाई है कुमाऊं की चित्रकला, दी कुमाऊं वुड आर्ट वर्क, ये दी कुमाऊं वुड वर्क, दी गढ़वाल वुड वर्क, कुमाऊं की सूर्य एवं कार्तिकेय प्रतिमाएं इन्होंने बनाई है, केरल में रॉक आर्ट, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और ये पेंटिंग्स भी करते हैं, बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स आपको वहां जाके देखने को मिलेंगे इनकी। तो अगली प्रश्न की ओर लौटते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनपद में फल अनुसंधान एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। फल अनुसंधान तथा औद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ स्थित है, ये है पौड़ी में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर लौटते हैं, देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद में होने वाला प्रसिद्ध हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है, पेपर में आ चुका है ये भी प्रश्न, एक या दो बार। तो पिथौरागढ़ जनपद में होता है ये हिल यात्रा, जब धान रोपाई होती है शायद उस समय ये हिल यात्रा होता है, उसका केंद्रीय पात्र पूछता है कौन है। आप लोगों ने कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग जब कमेंट करते हैं तभी हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो आप देखिए केंद्रीय पात्र आपने देखा होगा लखिया भूत, लखिया भूत इसका केंद्रीय, और हिरण नृत्य भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरण नृत्य आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हिरण नृत्य के बारे में भी देखेंगे हम।
देखते हैं। यह पर्व धान की रुपाई तथा बरसात के मौसम में कृषि संबंधित गतिविधियों के साथ, मैंने कहा ये धान की रुपाई, आजकल ये सीजन चल रहा है धान की रुपाई का, तो धान की रुपाई के समय यह पर्व मनाया जाता है और बरसात के मौसम में कृषि संबंधित जो गतिविधियां होती है उनसे जुड़ा हुआ यह पर्व हमारा है। अगला देखते हैं, पांडुखोली गुफा को किस नाम से जाना जाता है? पांडुखोली गुफा, पहले कमेंट करके बताए कहाँ स्थित है ये पांडुखोली गुफा, जिन लोगों को पता है कमेंट के जरूर करें, तभी लगता है कि आप लोगों को ये प्रश्न पहले देखे हैं, इससे कोई नए प्रश्न देने की आवश्यकता है या आपको इसी के रिवीजन करने की जरूरत है। आप पसंद आती वीडियो तो लाइक करें, नहीं आती तो डिसलाइक करें, लेकिन जरूर करें। तो इसका अन्य नाम है त्र्यंबक गुफा और ये पांडुखोली गुफा पड़ती है दूनागिरी। अब आप लोग समझ गए होंगे दूनागिरी अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, तो उसी के निकट है पांडुखोली गुफा। ये पांडुखोली मतलब पांच पांडवों से संबंधित ये पांडुखोली की चित्र है, ये उत्तरांचल की वेबसाइट से लिया गया है। तो 1 2 3 4 5 इसमें पांचों पांडवों के बारे में दिया गया और ये दूनागिरी मंदिर है, दूनागिरी में पड़ता है। और दूनागिरी मीठी मुरलियों का नगर भी कहा जाता है, दूनागिरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, दूनागिरी से भी जुड़ी हुई काफी चीजें हैं। योगदा आश्रम भी इधर ही स्थित है जहाँ रजनीकांत काफी बार आते हैं, तो कभी दूनागिरी टॉपिक आएगा तो दूनागिरी के विस्तार से जानेंगे। मैं गया हूँ यहाँ भी और ये पांडुखोली भी, तो दोनों के बारे में आप लोग जानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुंशारी में जनजाति संपदा संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंशारी में जनजाति संपदा संग्रहालय, मुंशारी कहाँ? पिथौरागढ़ में पड़ता है और यहाँ भोटिया लोग रहते हैं, तो जनजाति संपदा संग्रहालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा की गई? ये की गई डॉक्टर शेर सिंह क्रांति, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो कब की गई ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो शायद इसमें लिखा नहीं है, तो सन 2000 में कब की गई? सन 2000 में ये जनजाति जो हुआ है इसकी स्थापना की गई 2000 में, नोट कर लेना, मैं नोट करना इसमें भूल गया हूँ, स्थापना किसके द्वारा की गई क्वेश्चन था, तो डॉक्टर शेर सिंह क्रांति, और कब की गई? तो ये 2000 में की गई, ठीक है। ये है देखो संग्रहालय दिख रहा होगा, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम आपको मुंशारी का, ये उसका एक दूसरा चित्र है, कोई 10 रुपये इसमें फीस रखी हुई है, 10 रुपी। तो आप लोग को भी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, जनजाति वहाँ के लोकल्स से मिलने का, बहुत रूबरू होने का बहुत अच्छा मौका होता है, उनके संग्रहालय को देखने का, उनकी संस्कृति को जानने का, उनकी कला को जानने का, उनके बारे में बहुत बेसिक चीजें। कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से देखते हैं हम, देखो ये है डॉक्टर शेर सिंह पांखी जी, 24 अक्टूबर 2017 को इनका निधन हो गया था, 1 फरवरी 1947 को उनका जन्म हुआ। तो जिस दिन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी जिक्र आएगा, और ये उनके बनाए हुए जो संग्रहालय के चित्र हैं, ये बारहसिंगा का वो है, ये उनकी पेंटिंग से कुछ बनाई हुई, ये खाड़ू होता है आपने देखा होगा हिमालयी क्षेत्रों में भेड़, उसी का वो है। अगला प्रश्न क्यों लौटते हैं, चुलेरा शाम की गुफा कहाँ स्थित है? चुलेरा सीम, चुलेरा सेम दोनों पूछा जाता है, चुलेरा सीम चुलेरा सेम की गुफा कहाँ स्थित है? चौखटिया के पास अल्मोड़ा में स्थित है, चौखटिया दोराहाट सब एक ही लाइन में पड़ता है, कत्यूरी राजाओं की यहाँ राजधानी भी हुआ करती थी, लखनपुर कोट इसी के इर्द गिर्द नजदीक में है, तो एक दिन चौखटिया पे भी करेंगे टॉपिक तो देखेंगे जरूर। और यहाँ पर शिवलिंग के आकार की आकृतियां बनी हुई है और 2015 में यहाँ पर शोध कार्य भी हो चुका है, यहाँ शिवलिंग के आकार की काफी आकृतियां मिली हैं जब यहाँ पे, तो ये गुफा काफी, जैसे लाखों उडियार है, गुरकर डियार है, गुफाएं हैं, उडियार हैं, पहाड़ी में उडियार कहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चुलेरा साम की गुफा भी आप लोग नोट जरूर करिए, कोई एग्जाम में पूछी जा सकती है, आने वाले एग्जाम में काफी सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो और इसकी 2008 से यहाँ पे भी शोध कार्य चालू हो गया है। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप लोग लाइक करें, पसंद आई, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, क्योंकि रोज हमारी वीडियो आती है और आपसे मिस ना हो जाए इसलिए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप जैसे लोगों को, विद्यार्थियों के औरों को भी फायदा हो सके इसके लिए जरूर से शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं, प्रज्ञा कोचिंग के नाम से फेसबुक आईडी है, उसमें भी प्रश्न हम डालते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।